फ्रेंड्स, हाय कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रोज आप भी कुछ बोल रहे थे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को वाकई में आज कुछ भी इसमें होपफुली भगवान कृपा से कोई रुकावट नहीं आएगी। रोज ऋषु बिल्कुल सोने सोने नहीं होगा, मैं भी नहीं सोऊंगी, दोनों लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, घर से खाना खा कर निकले हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही खाना खा लिया। या ब्रेकफास्ट ही था, खाने जैसा था। हाँ, मतलब रोटी और भुजिया थी, तो ऑफकोर्स उसको आप खाना समझे या ब्रेकफास्ट समझे, बट पेट भर गया है। और सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 10:20, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, हम लोग बिल्कुल फ्रेश हैं आज। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर सी एक जगह दिखाने वाली हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, जो कि मैं भी पहले एक्चुअली मैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, यस रोज इज राइट, तो वहाँ पे एक्चुअली ये स्प्रिंग टाइम है, तो यहाँ पर ये फ्लावर्स के सीजन कहते हैं ना कि जो एकदम जवानी पर होना, अपने उमंग पर, तो वही अपने सबाब पर है इस समय चेरी ब्लॉसम, तो जवानी उसकी ढल जाए उसके पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो, और खुद भी देख लेती हूँ कि वो कितना हसीन दिखता है। मैं हूँ तो यहाँ एक्चुअली 5 साल से, ऑलमोस्ट 5 साल से मैं वॉशिंगटन में हूँ। 6 साल हो गए क्या? 5 साल, हाँ। तो लेकिन मैं 6 साल, या 6 साल हो, घर हमारे घर में आए हुए हैं, मैं 5 साल होने वाले हैं। तो हम मैं भी आज तक नहीं गई हूँ, आई डोंट नो क्यों नहीं गई हूँ, इतनी जगहों पर गई लेकिन वहाँ नहीं गई हूँ, और ये परफेक्ट सीजन है वहाँ जाने का। तो मैंने ऋषु को बोला कि आज हम लोग चलते हैं बिल्कुल बन सवरकर, तो अपनी समझ से मैं बनी सवरी हूँ आप लोग भी बताना मैं बनी सवरी हूँ या नहीं। तो ऑफकोर्स यार, कोई भी खुशी खुशी जाता है तो अपनी खुशी से, अपनी अच्छी, मतलब अपनी इच्छा से अच्छा बन के ही जाता है। अब दूसरे को, सामने वाले को जैसी भी लगे, अपने समझ से तो मैं अच्छे से ही रेडी होती हूँ। तो जी, आप चलते हैं वहाँ पर और आप लोगों को दिखाते हैं कि वो कितना ब्यूटीफुल है। अभी तक मैंने जाने अपने नोन में हर लोगों के मुँह से सुना है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही सुंदर है, इस सीजन में तो बिल्कुल ऑसम और ब्यूटीफुल दिखता है। तो लेट्स सी कि वो कैसा दिखता है, चलिए फिर वहाँ जाके आप लोगों से बातें करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का कैंपस, जो मैंने आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाने की कोशिश की। आई डोंट नो कि ये कैंपस जैसा दिख भी रहा है या नहीं, क्योंकि ये तो मेन रोड की तरह अभी तक दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से टर्न लेंगे और स्टार्ट हो गया कैंपस, और यहाँ है पब्लिक पार्किंग जो खा हुआ नजर आ रहा होगा, ये बर्के म्यूजियम है। और ये भी कोई यूनिवर्सिटी का ही पार्ट होगा जो सामने, यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। कि मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ, कहीं रुक तो नहीं रही हूँ, मैं धीरे धीरे करके जाऊंगी। तो मेन तो हम यहाँ यूनिवर्सिटी घूमने और चेरी ब्लॉसम जो यहाँ पर फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल तो नहीं कहेंगे बट ये सीजन है चेरी ब्लॉसम का, और लोग उसी को मेनली यहाँ देखने के लिए आते हैं। मैं भी वही देखने आई हूँ, बट इसी बहाने यूनिवर्सिटी भी देख ली। और यूनिवर्सिटी घूमते घूमते और चेरी ब्लॉसम देखते और दिखाते हुए मुझे एक प्यारा सा कपल भी दिख गया जिसकी शादी हो रही थी उस दिन, और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये लोग, और बहुत ही प्यारा इनका ड्रेस भी होता है दुल्हन का। जो ब्राइड आ रही है, आप लोग उसको देख सकते हो कि उसने कितना प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ है, बस वो सामने आने वाली है, एंड बहुत ब्यूटीफुल भी थी। तो मैंने एक्चुअली कई बार देखा है बट मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे ये भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने साथ ये भी दिखा ही देती हूँ, है ना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। चेरी ब्लॉसम जिसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, तो आई होप आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे मेरे साथ साथ। तो लेट्स स्टार्ट आवर टूर।
और देखने तो गई थी मैं ओनली चेरी ब्लॉसम, बट आप ये कह सकते हैं कि चेरी ब्लॉसम से ज़्यादा ये व्लॉग यूनिवर्सिटी के बारे में है, बिकॉज मुझे यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बहुत ही ग्रीन था, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर था, मुझे सब कुछ उसका बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज सीरियसली वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मैं फिर से जाऊँगी नेक्स्ट वीक, मेरा फिर से प्लान है कि मैं जाऊँ एक बार घूम के आऊँ नेक्स्ट वीक ना सही कभी और, बट मेरे घर के काफ़ी पास में है तो आई विल गो अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विराज का अपना टूर। और यही है ब्यूटीफुल से चेरी ब्लॉसम जो आपके सामने दिख रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसको कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की है जितना मैं कर सकती थी अपने तरफ से। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और ये मुश्किल से 3 या 4 दिन के लिए और हैं, इसके बाद ये सारे फूल निकल जाएंगे और सिर्फ पत्तियाँ आ जाएंगी इसके अंदर, और ये वापस से मुझे देखने को मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। पर हम लोग आए हैं और मुझे लगा था कि शायद कुछ लोग तो देखने के लिए आए होंगे, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आया, सब फोटो खिंचाने आए हैं। तो घटना में लोगों की दिलचस्पी नहीं है, सबूत इकट्ठे करने में दिलचस्पी। बिल्कुल, आज तो वही करने आए हैं। देखिए सबूत में पीछे से भी मैं दिखाई देती हूँ कौन कौन है यहाँ पर, सबको पहचानती है और पीछे पीछे क्या क्या हो रहा है। इसमें बहुत सारे लोग आपको पीछे से दिख जाएंगे। अच्छा, this is my makeup for the day or this is my makeup for the next 2 years। और अब करते हैं यूनिवर्सिटी दर्शन, देन इसके बाद चलेंगे यूनिवर्सिटी में ही कोई, जो मुझे नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ने बताया कि यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी विलेज भी है जो हम लोग वहाँ जाएंगे। आउटलेट है इस यूनिवर्सिटी विलेज के अंदर ही, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक एक करके मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी दिखाती जाऊँगी। सिद्धांत है प्राण जाए पर फोटो न जाए। बहुत टाइम के बाद यार यूएस में ऐसा दिख रहे हैं कि लोग एक साथ इतने सारे लोग दिख रहे हैं, वो भी ऐसे कपड़ों में, क्योंकि we'll be right back।
खाया, वेज बरीटो, यह है रोज का खाना, पिज़्ज़ा चिप्स, राइस और उसका केसडिया, ये है तानिया दीदी का, तानिया दीदी आपने चिकन है क्या? नहीं, और ये रिश्ता है। के अंदर ही जो आउटलेट है जहाँ पर बहुत सारी शॉप हैं, बस उसके अंदर ही कुछ ऐसे शॉप थे, ये गैप है जिसके अंदर हम लोग उसके दर्शन करने चले गए थे और आप लोगों को भी दर्शन करा ही दिया। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी टाउन से, टाउन नहीं यूनिवर्सिटी विलेज से, सॉरी। तो ये विलेज एक्चुअली पीछे कुछ देर तक तो मुझे विलेज जैसा लगा है, बट यहाँ पर तो ये प्रॉपर आउटलेट है जो कि बहुत अलग अलग तरीके के शॉप एंड ऑल ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर हैं। बहुत प्यारा है बट काफ़ी धूप है आज, तो मेरा इतना वॉक करने का दिल नहीं कर रहा है। एक ये यहाँ पर हैं जिनको धूप में ही जीना मरना सब कुछ अच्छा लगता है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा धूप है। तो खाने पीने तक और ऐसे तो सब ठीक है, बट आउटलेट घुमाने के लिए मैं कभी किसी और बड़े से आउटलेट में जाऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा, वैसे ये भी काफ़ी बड़ा है बट भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, तो कंफर्टेबल उतना नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी एक्चुअली आ चुके हैं और ऋषु भी अभी आ रहे हैं, तो उनके साथ बस हम लोग अब घर के लिए निकलेंगे, घर जा के कुछ और चीज़ें आपको दिखाएंगे और वहाँ मिल देखे। और सामने वो है QFC, ग्रोसरी स्टोर टाइप का है, ग्रोसरी स्टोर ही है, टाइप का नहीं है। तो अरे बहुत अच्छा लग रहा है अभी इस पेड़ के नीचे यार, देखिए तो यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। और कार देखिए कितनी प्यारी है ना पीछे, कौन सी कार है ये? कोई स्पोर्ट कार है? लैम्बोर्गिनी, ओके, बहुत प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। तो सारी चीज़ें एक साथ मुझे दिख रही हैं इसलिए मैं थोड़ा इधर थोड़ा उधर सब आपको बताती जा रही हूँ। आई होप आप लोग मेरी आवाज़ अच्छे से सुन पा रहे होंगे। यू नो लिप्स नहीं दिखता है तो बातें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए तो स्पेशली मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि लोग बोल क्या रहे हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं घर, और इतनी गर्मी से आने के बाद रोज ले रही है मस्त मजे, जो आप लोग देख ही सकते हैं, मजे ले रही है मेरी बेटी। बाद भूख तो लगती ही है, तो अभी मैं बनाने स्टार्ट कर दी हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आलू और पालक की सब्जी। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी सब्जी है। इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में आलू, कटे हुए आलू जो मोटे मोटे फॉर्म में कटे होंगे बिल्कुल पनीर की तरह, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करना ही चाहिए इसमें, अगर आप सॉटे करोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो बस ये फ्राई हो गए हैं, देन दूसरे पैन में मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है। जी हाँ, इसके अंदर बेसन जाता है जो इसके टेक्सचर को बहुत ही अच्छा करता है पालक के। तो बेसन को थोड़ा सा अरोमा आने तक अच्छा सा भून लीजिए। देन इसके बाद सरसों तेल में मैंने जीरा, अजवाइन, थोड़ी सी जावित्री और तेज़पत्ता डाल दिया है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। देन ऑयल में ही मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है ताकि उसका कलर बहुत अच्छा है। तो उसके बाद मैंने उसमें कटे हुए बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड किया है, और आप इसको किसी भी चॉपर में भी काट सकते हो, मैंने इसको हाथों से कट किया है बिकॉज मुझे बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाना था। तो ढाबा स्टाइल अगर बनाना है तो आप भी हाथों से ही काटें, बहुत ही अच्छा लगता है। देन इसको 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद उसमें जिंजर और गार्लिक का कूटा हुआ पेस्ट उसमें मैंने ऐड किया है। देन उसको 2-3 मिनट के लिए मैंने फिर से भूना है। उसके बाद उसके अंदर मैंने बहुत सारे टमेटोज़ खट्टे वाले जो होते हैं वो ऐड किए हैं, क्योंकि पालक के अंदर खट्टेपन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
और ये बिल्कुल खट्टे वाले टमाटर हैं भी। इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है क्योंकि टमाटर के साथ नमक ऐड करने से टमाटर बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है, जो मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ। देन कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उसको छोड़ दें, देन ओपन इट एंड सॉटे इट अगेन। और उसके बाद देख सकते हैं कितने अच्छे से प्याज और टमाटर एक में मिल गए हैं। देन दही के अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर अपना ऐड किया है, और ये घर के धनिया पाउडर है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले हैं, इससे बहुत ही अच्छा आता है अरोमा। इसके बाद मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है गैस को, और उसके अंदर मैंने दही और अपना मसाला ऐड कर दिया है। ऐसे ही आप दही ऐड करें ताकि आपकी दही नहीं फटेगी, प्लेन दही ऐड करने से दही फट जाती है। देन कवर करके मैंने उसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। देखिए कितने अच्छे से उसके अंदर ऑयल छोड़ दिया है दही, और उसके अंदर बिल्कुल हमारे जो उबले हुए पालक थे उसको मैंने थोड़ा सा क्रश करके पीस लिया था, बिल्कुल पतला नहीं पिसा हुआ है, उसको मैंने ऐड कर दिया। बेसन भुना हुआ अपना ऐड कर दिया इस टाइम पर। देन उसको अच्छे से सॉटे करके और कवर करके, आई थिंक कवर नहीं करेंगे, उसके अंदर धनिया पत्ता मैं डाल रही हूँ, उसको कवर करके मैं 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दी थी। देन थोड़ा सा पानी बिल्कुल ऐड करेंगे क्योंकि ढाबा स्टाइल किसी भी पालक की सब्जी में बहुत पानी नहीं होता है। देन उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड किया है, एवरेस्ट का मसाला है, और थोड़ा सा मेरा होममेड मसाला है, मैंने वो भी ऐड किया। अपना आलू भी मैंने सेम टाइम पर ऐड कर दिया है। देन उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके उसको एटलीस्ट 7 से 8 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इवन 10 मिनट भी आप छोड़ेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। भले ही सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस उसका टेस्ट कवर करके पकाने से काफ़ी अच्छा आएगा, और हमारी सब्जी ऑलमोस्ट 25 मिनट से लेकर के आधे घंटे के अंदर आपकी पूरी सब्जी रेडी होगी। बिकॉज ढाबा स्टाइल है ना, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बट टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों को ये सब्जी कैसी लगती है, और बिलीव मी आपको पालक पनीर से बहुत ज़्यादा ये आलू पालक की सब्जी लगेगी। ट्राई इट। तो अभी तो हो गई है रात, और मैंने एक्चुअली वीडियो बनाते बनाते मुझे 1.5 दिन का ये टोटल वीडियो बन गया है, क्योंकि थक गए थे आने के बाद, तो एक बस कुकिंग की, और आज मैं आप लोगों को सी ऑफ कर रही हूँ। एक दिन में वो सारा काम था और एक दिन में सी ऑफ हो रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें। और चलिए, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो कर लेते हैं गुड नाइट हम लोग, रात हो गई है यहाँ पर, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।